थोड़े धीमे थे, तो उस कार्य को आज आशय ही आप लोग थोड़ा स्पीड दीजिए, उसे बढ़ा दीजिए। जो आपको ये लगता है कि यहाँ संगठन कमजोर है, मेरा दावा है यदि आप टोपी लगा के जाएंगे तो लोग आपके पीछे जुड़ते चले जाएंगे। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की थी तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए थे, इससे भी चौथाई लोग वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी छत शक्ति के दम पर दिल्ली के एक एक लोग, तो ये वो ताकत होती है। यदि आपका मन पवित्र, आपका उद्देश्य पवित्र है तो लोग आपसे जुड़ते हुए चले जाते हैं। पीछे चले जाइए, जब 1947 से पहले की बात करो, जब देश की आज़ादी का सपना लोगों ने देखा था, जब क्रांतिकारियों ने देखा था, तो उसमें भी चार लोगों ने ही बैठ कर सबसे पहले मीटिंग की थी, वो भी ज्वाला लेकर चले थे। तो कहीं भी कभी भी संख्या से मत घबराइएगा, क्योंकि जो अच्छे काम होते हैं उनकी शुरुआत जो होती है वो सदैव बहुत थोड़े लोग करते हैं। एक बार लोग जुड़ने चल जाए फिर तो कारवा बनता चला जाता। मेरा यही आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सब लोग संख्या बल को भूल जाइए। रोज ये सोच के चलिए कि मुझे एक दो गांव का, चार आदमियों की एक टीम बना दीजिए, संजीव जी मैं बता रहा, और उसको दिन में को दो गांव का दौरा दीजिए। दो गांव में आपको कम से कम जाना है, आपको जो वहाँ मान सम्मान मिलेगा ना, आप आके उसे डायरी में नोट करना चाहोगे, आपकी भी जान पहचान बनेगी। हर गाँव में, पड़ोस के गाँव में उससे पूछ लीजिए, चार आदमी से कौन से दो गाँव में आप जाना चाहते हैं, जहाँ की जान पहचान। टोपी लगा के बैठ जाइए, अपने आप सदस्य बन जाइए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस सदस्यता अभियान के माध्यम से केवल 3 विधानसभा आपके जिले में है। अंकुश भाई बैठे हैं, अंकुश भाई बोले, मेरठ में 7 विधानसभा हैं, यानी कि करीब 2.5 जिले के करीब आपका काम है। यहाँ केवल 3 विधानसभा है, और 3 विधानसभा में मुझे लग रहा कितने गांव होंगे यहाँ टोटल, कितना आइडिया, कितने गांव है शामली जिले में?